क्लास हम लोगों ने अपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में अपने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक टू स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर टू, ठीक है ना, आउटब्रेकिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। आज हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे, टॉपिक नंबर 2.1, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ओके, यानी फ्रांस में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। हमने देखा है पिछले वीडियो में फ्रांस गवर्नमेंट हैड टू इंक्रीज टैक्स, द सिचुएशन वाज सो कंपेलिंग फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द किंग, दैट इट हैड टू इंक्रीज टैक्सेशन। टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन वाज द ओनली सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर फ्रेंच गवर्नमेंट। ओके, द लास्ट मीटिंग रिगार्डिंग टैक्सेशन वाज हेल्ड इन 1614। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन था कि द किंग कुड नॉट ओनली मेक एनी चेंज अबाउट द टैक्सेशन, ओके, द एनी डिसीजन रिगार्डिंग रिलेटेड विद टैक्सेशन वाज टेकन इन स्टेट्स जनरल विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स। यही था ना कि भाई जो भी मीटिंग होगी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो मिलके टैक्सेशन के बारे में कोई डिसीजन लेंगे। हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर्स थे, सेकंड में भी 300 मेंबर्स थे, थर्ड में 600 मेंबर्स थे। जो पुराना वोटिंग सिस्टम था, एक स्टेट से एक वोट, यही था, ठीक है ना, वन स्टेट वन वोट। इन्होंने क्या किया, इसको अपोज किया। ये क्या चाह रहे थे, ईच मेंबर वन वोट, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी आइडियाज को, इनके डिमांड को नहीं माना गया। इन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल को बॉयकॉट किया, रिजेक्ट किया। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं बस, ठीक है, ताकि हमें पिछला टॉपिक हमारा कवर होता चले। रिजेक्ट किया टेनिस कोर्ट ओथ में इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे और फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए। यही बात थी, इनके लीडर थे एवेसियस और मिराबो, ठीक है। साथ साथ क्या था इस टाइम पे कि फ्रांस में कंडीशन खराब थी, प्रोडक्शन काफी कम था, तो हर जगह फूड स्कैर्सिटी थी। इसके कारण फ्रांस के डिफरेंट पार्ट्स में वायलेंस काफी बढ़ते जा रहे थे। ओके, लास्ट जो पैराग्राफ था इस टॉपिक का, वहां पे हमने क्या देखा कि फाइनली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, फाइनली राजा के ऊपर प्रेशर हुआ, राजा ने इनके डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, है ना। हम लोगों ने यहाँ देखा था, देखिए लास्ट पैराग्राफ ये था ना, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या था, वही स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल अब क्या बन गया है, नेशनल असेंबली। देखिए इस वर्ड का भी फर्क पड़ा, स्टेट और नेशनल असेंबली, थोड़ा सा ये लगता है कि नेशनल असेंबली पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ असेंबल हो रहे हैं। चीज एक ही है, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आज जो राष्ट्रपति भवन है वो वायसराय हाउस था, आज वो राष्ट्रपति भवन है, बिल्डिंग तो सेम ही है, लेकिन हम जब वायसराय हाउस कह रहे हैं और नेशनल से वो राष्ट्रपति भवन कह रहे हैं, तो सेंस एक अलग क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज आया था, यहाँ देखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे जब राजा ने क्या किया, इनको रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है स्टेट जनरल अब नेशनल असेंबली होगा, इनका जो प्रेशर था वो माना गया, ठीक है। यहाँ देखिए लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। राजा का जो अनलिमिटेड पावर है, पहले तो मोनार्क का अनलिमिटेड पावर है, अब क्या होगा, इस पे ब्रेक लगेगा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ये इनका जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है।
और क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, देखते चलिए। डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो फ्यूडल सिस्टम है, जो फ्यूडल्स को प्रिविलेजेस मिलते हैं, उसको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, वाज एबॉलिश्ड। ये हम लोग पिछले पैराग्राफ के ही लास्ट में थे, पिछले टॉपिक के। यहाँ देखिए लास्ट में, टिथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ 2 मिलियन लीवर्स। जो हम टिथेस जो टैक्सेस दे रहे थे इनको खत्म, बिल्डिंग जो या प्रॉपर्टी जो थी चर्च की, प्रॉपर्टी ऑफ चर्च, वो क्या किया गया, उनसे छीन लिया गया, ठीक है। लेकिन अब जब चर्च की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, जब चर्च की प्रॉपर्टी छीन ली गई, इनको टैक्स देना बंद किया गया, तो गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, 2 बिलियन लीवर्स का रिवेन्यू जनरेट हुआ एक साल में। 2 बिलियन नहीं, ये जैसे चर्च के ऊपर जो खर्चा हो रहा था, चर्च जो बिल्डिंग चर्च के पास है, जो जितना लोग टैक्स दे रहे थे, वो टैक्स अगर चर्च को नहीं जा रहा है तो वो टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा है। पहले तो ये चर्च के पास था, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट है, हमने यहाँ पे एक मंदिर बना दिया, मंदिर के पृष्ठ को, एक मस्जिद के पृष्ठ को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा अगर वहाँ नहीं दे रहे हैं तो ये पैसा सरकार के पास, सरकार उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती है, किसानों पे खर्च कर सकती है। बात समझ में आ रही है ना। जो फ्यूडल सिस्टम पे जो टैक्स, जो किसानों को टैक्स गलत जगह देना पड़ रहा था, इनको अलग से फैसिलिटीज मिल रही थी, यही फैसिलिटीज कॉमन मैन को दी गई है। ओके, अब हम लोग टॉपिक में आएंगे, कायदे से हम लोग अब टॉपिक में आ रहे हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मींस क्या हुआ कि फ्रांस में अभी भी मोनार्की है, राजा अभी भी होंगे, लेकिन राजा का पावर क्या होगा, पहले राजा के पास अनलिमिटेड पावर था, द किंग हैड अनलिमिटेड पावर, बट नाउ द किंग वाज ब्रॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही हैड नॉट अनलिमिटेड पावर, ही हैज गिवन नॉमिनल पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। आइए हम लोग इस टॉपिक में आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते चलेंगे कि नेशनल असेंबली जो हमारा है, ठीक है, नेशनल असेंबली हमारा है, वो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करता है, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैं इधर थोड़ा स्क्रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, ये एक बार आप ना एक इस इमेज को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। क्लियर, मोनार्क के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाना है, अभी हम लोगों ने ये चीज किया है। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। हमने पढ़ा है कल प्रीवियस वीडियोज में, हमने देखा है कि मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया था द स्पिरिट ऑफ टू स्पिरिट्स ऑफ लॉ में, कि पावर को डिवाइड किया जाए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे हम वो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रेंच फिलोसफर के आइडियाज देखे थे, चाहे वो रूसो हो, मॉन्टेस्क्यू हो, जीन लॉक हो, इन लोगों ने यही आइडिया दिया था ना कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कोई डिवाइन रूल नहीं है, राइट, डिवाइन राइट नहीं है रूल करने का, गवर्नमेंट के जो पावर है वो डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 लेवल है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जिसको आप ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहते आए, ठीक है। इनका काम है लॉ मेकिंग, इनका काम है लॉ जो बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, और इनका काम है इन दोनों को चेक करना कि ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। 8th क्लास में हम लोगों ने देखा है ना ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे क्या था, अब ये पिक्चर देखते चलिए। फ्रांस में जो नेशनल असेंबली है उसके कितने मेंबर होंगे, नेशनल असेंबली में लेजिस्लेचर में मेंबर देखिए। और सबसे पहले क्या था, फ्रांस में डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी में वोट देना
वोट देने का राइट मिलेगा लोगों को। वोटिंग राइट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीरों को मिला, सिर्फ और सिर्फ जो मेल मेंबर थे, जो फ्रेंच मेल थे उनको मिला, जो 25 साल के ऊपर के पुरुष थे और जिनके पास पैसा था, जो रिच थे वही वोट कर सकते थे। यहाँ देखिए, आप ये देखिए, फ्रांस में दो तरह के वोटर होंगे, दो सिटीजन होंगे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मेल होंगे, 25 ईयर्स ऑफ एज होंगे या उससे ज़्यादा होंगे और वेल्दी होंगे, रिच होंगे, ये कहलाएंगे एक्टिव सिटीजन। और जो ये ना मेल नहीं है, 25 साल से कम के और वेल्दी नहीं है, वो हो जाएंगे पैसिव सिटीजन। पैसिव मीन्स दे डिड नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। बट अ पैसिव सिटीजन कैन ऑल्सो बी एन एक्टिव सिटीजन बाई गिविंग टैक्स इक्वल टू टैक्स अप टू 3 डेज वेज। अगर अपने 3 दिन के मजदूरी के इतना वो टैक्स देते हैं तो उनके पास वोटिंग राइट हो जाएगा। अब पिक्चर देखते चलिए, आप पैसिव सिटीजन में आप देख रहे हैं, पैसिव सिटीजन के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, एक्टिव सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स है। ठीक है, अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, ये अपना एक इलेक्टोरल इलेक्ट करेंगे। ये इलेक्टोरल कौन इलेक्ट करेगा? एक्टिव सिटीजन। इलेक्टोरल मीन्स देखिए, ये पूरे फ्रांस के लिए 50,000 मेन इलेक्ट करेंगे, 50,000 मेन इलेक्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रांस जो पीपल हैं, जो वोटर्स हैं, वो 50,000 वोटर्स इलेक्ट करेंगे, लीडर नहीं इलेक्ट करेंगे। और ये जो 50,000 जो इलेक्टेड हैं फ्रांस के लोगों के द्वारा, ये नेशनल असेंबली के लिए, नेशनल असेंबली हमारा यहाँ पे है, नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबर होने हैं? 745। ये कौन चुनेंगे? एक्टिव सिटीजन। ये एक्टिव सिटीजन चुनेंगे एक इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेज मतलब ग्रुप, ठीक है। ये 50,000 लोगों का ग्रुप चूज करेंगे और ये जो ग्रुप है, यहाँ के जो मेंबर है टोटल 745, उसको चूज करेंगे। तो ये देखिए कि ये जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली चूज नहीं किए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से जो ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होंगे? किंग होंगे, जिसके पास एक लिमिटेड पावर होगी, और मिनिस्टर्स होंगे या गवर्नमेंट होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। मेन जो काम है ना, जो जो भी डिसीजन है, पॉलिसी मेकिंग है, वो ये ही करेंगे, ठीक है। इनके पास ये पावर दिया गया। ये जो किंग है, ये टोटली कंट्रोल में होंगे नेशनल असेंबली के। हमने बार बार जिक्र किया है कि किंग के पास कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं था। और यहाँ से जुडिशियरी जो है, इन दोनों को चेक करेगी, जुडिशियरी इन पे कंट्रोल रखेगी। और जुडिशियरी का भी इलेक्शन कौन करेंगे? जुडिशियरी भी इलेक्ट होगी एक्टिव सिटीजन के थ्रू। एक्टिव सिटीजन जुडिशियरी को भी इलेक्ट करेगी, एक्टिव सिटीजन इलेक्टोरल को इलेक्ट करेंगे, और वो इलेक्टोरल नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेगी। नेशनल असेंबली से मिनिस्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव में आएंगे, किंग होगा। ओके, अब यहां पे हम आगे देखने वाले हैं। द नेशनल असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू मेक लॉ बाय इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। यही देखा है हमने, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नंबर में कितने हैं? 50,000 है। और यही 50,745 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें लोगों को राइट्स बहुत सारे मिले हैं। जैसे कौन कौन से राइट्स मिले हैं? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन राइट किस किस चीज़ का दिया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स मिले हैं। देखिए, वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिले हैं, सबको नहीं मिले हैं, मेल को ही मिले हैं, 25 साल से ऊपर के मेल को ही मिले हैं। लेकिन पहली बार वोटिंग राइट मिला तो है लोगों को, तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों को क्या मिला है? वोटिंग राइट मिला है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे पैसिव सिटीजन जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जो गरीब है, वो उनको भी वोटिंग राइट्स मिल सकता है। कैसे मिलेगा उनको वोटिंग राइट्स? तो वो
तीन दिन के मजदूरी के बराबर वो टैक्स देंगे। फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, फ्रांस ने वोटिंग राइट्स दिया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वेलिटी की बात की है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें क्या हुआ है फ्रांस में आगे हम देखेंगे। तो फ्रांस में यहाँ से फ्रांस ने नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। यहाँ पे आपके ना यहाँ पे एक चार्टर दिया हुआ है, देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर इन 1790। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस, द फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबलाइजेस द लॉ। ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि फ्रांस में एक नया चार्टर तैयार हुआ। चार्टर मीन्स लोगों को राइट्स देने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस तैयार किया गया है। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, तो संविधान का क्या सिग्निफिकेंस है कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट का पावर डिफाइन किया गया है, सिटीजन को कौन कौन से राइट्स देने हैं, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज होगी, स्टेट्स की क्या ड्यूटी है, स्टेट्स के क्या पावर है, सब कुछ डिफाइन किया गया प्रॉपरली। तो ये वो चीज़ दिखा रहे हैं। अब डिफरेंट सिंबल वॉर, यहाँ पे फ्रांस में बहुत सारे अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एक एक करके देखते चलते हैं हम लोग। सबसे देखिए रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, सबसे पहले है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन या जंजीर का टूटना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आज़ादी का। हम बोलते ना कि जंजीर तोड़ दिए, तो कैद से टूट गए, कैद को, कैद से निकल गए आप, ठीक है ना। तो ब्रोकन चेन सिग्निफाइज व्हाट? इट सिग्निफाइज फ्रीडम। द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस, देखिए हम लोगों ने बचपन से वो कहानी पढ़ी है ना, वो किसान के चार बेटे थे, चारों में नहीं पड़ती थी, चारों लड़ते थे, किसान ने सबको बुलाया, एक एक लकड़ी दी, तोड़ने को बोला, सब तोड़ देते थे, चारों को इकट्ठे एक बंडल करके दिया तोड़ने को, तो नहीं तोड़ पाते थे। तो ये स्टोरी, बच्चों वाली स्टोरी क्या सिग्निफाइज करती है? ये यही सिग्निफाई करती है कि एकता महान शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो ये जो बंडल, और बंडल आप देख रहे हैं रॉड के बंडल, ये क्या दिखा रहे हैं? यूनिटी को, कि नाउ फ्रेंच पीपल आर वन, दे आर वन, दे आर यूनाइटेड। ओके, यहां देखिए द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। लाइट हम लोग ही बात करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाए। तो रोशनी का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विजडम, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना आँख होना चाहिए, तो आँख होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो हमारा एक ट्रायंगल के भीतर में एक चमकती आँख है, वो किस चीज़ की, किस चीज़ का वो सिंबल होगा? ये सिंबल है हमारा नॉलेज का। स्पेक्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, देखिए एक रिंग का कोई एंड नहीं होता है। तो ये जो एक ऐसा सांप है जो रिंग में है और अपने पूंछ को ही काट रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये चीज किस चीज को दिखा रहा है? ये वहां की एटर्निटी को दिखा रही है, परपेचुअलिटी को दिखा रही है। ये रेड फ्रिगियन कैप है, जब डॉग के मजदूर, डॉग के गुलाम जब फ्री होते थे, देखिए वर्न बाई अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये टोपी तब पहनते थे जब कोई गुलाम फ्री होते थे, आजाद होते थे। तो ये टोपी किस चीज का सिंबलाइज कर रही है? आजादी को। ब्लू व्हाइट रेड नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, जैसे हमारे फ्लैग में तीन कलर है, हर कलर अलग अलग चीज को सिग्निफाइज कर रहा है। आपने वो गाना पढ़ा है, गाना सुनते हैं ना हम लोग, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हर कलर को वहां बताया गया है कि हरा रंग है, हरी हमारी धरती की हरियाली, केसरिया बल भरने वाला, तो केसर पावर का सिंबल है, वाइट पीस का है, ग्रीन ग्रीनरी का है, यही पढ़ हम लोग गाने में देखते हैं ना। तो यहाँ जो ये तीन कलर है, ये फ्रांस के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द विंग्ड वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ, ये आज़ादी का पर्सनिफिकेशन किया गया है, और ये लॉ टैबलेट है, यानी लोगों के राइट्स देने की बात की गई है। इसमें ये दिखाया गया है सिंबल में कि फ्रांस के लोगों के पास अब राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, अब वो राइट्स से डिवाइडेड नहीं है। ओके क्लास, तो हम लोग इस टॉपिक को, इस टॉपिक 2.1 को यहीं पे एक बार रोक लेंगे। अगले वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, इसको डील करेंगे। एक बार आप इसको फिर से रिकैप कर सकते हैं कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई,
1791 में फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जहाँ पे फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क वाला सिस्टम मिला। यहाँ पे क्या था, दो तरह के वोटर्स थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन 25 साल के मेल होते थे, ये वेल्दी होते थे। औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, ठीक है। इफ अ नॉन रिच पर्सन कैन ऑल्सो बी अ वोटर बाई सबमिटिंग बाई डिपॉजिटिंग टैक्स अप टू 3 डेज वेज। ओके, सिस्टम क्या था कि जो एक्टिव सिटीजन है वो एक इलेक्टोरल चूज करेंगे, एक्टिव सिटीजन 50,000 का इलेक्टोरल चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, जो 745 मेंबर्स कहाँ भेजेंगे, नेशनल असेंबली में। यही एक्टिव सिटीजन जुडिशियरी को भी इलेक्ट करेंगे, ये नेशनल असेंबली मिनिस्टर को चूज करेगी, और किंग है ही, किंग के ऊपर इसका कंट्रोल होगा, किंग के ऊपर इसका भी कंट्रोल होगा। किंग के पास जो पावर होगी वो क्या होगी, नॉमिनल पावर होगी या अनलिमिटेड पावर अब नहीं होगी। और यही चेंज आया है ना। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 को डील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पे इसको पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट्स होता है तो आप उस डाउट्स को क्लास में प्रोड्यूस करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है क्लास। थैंक्स फॉर द सपोर्ट।